कुंभ मेले को लेकर संत समाज की गोवर्धन में हुई बैठक। कोरोना काल में एक और जहां प्रशासन ने बड़े आयोजनों पर रोक लगा रखी है, वहीं धीरे धीरे बाजारों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया भी जारी है। अभी हाल ही में अधिक मास मेले में भी ब्रज के प्रमुख तीर्थ गोवर्धन में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी चहल पहल भी देखी गई। इसी क्रम में हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले से पूर्व वृंदावन में मिनी कुंभ के रूप में संत समाज की बैठक होती है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय संत शिरकत करते हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज गोवर्धन स्थित राधा दामोदर दास आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम के तहत महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर सांवरिया बाबा से मुलाकात की और आगामी कुंभ को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता में महंत नरेंद्र गिरि महाराज ने बताया कि गोवर्धन में आयोजित होने वाले मिनी कुंभ को लेकर प्रशासन के साथ वार्ता की गई है, जिसमें प्रशासन से संतों के एक महीने के प्रवास के दौरान उनको दी जाने वाली बिजली, पानी, निवास आदि की सुविधाओं पर चर्चा की गई। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने संत समाज को यथासंभव सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। वहीं राधा दामोदर आश्रम के महंत महामंडलेश्वर सांवरिया बाबा द्वारा सभी संतों का स्वागत सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत किशन दास, राष्ट्रीय महासचिव रामजी बापू, सचिव नरेंद्र दास, निर्मोही के महंत हरिशरण दास एवं गोवर्धन के महंत दीन बंधु विष्णु स्वामी अखाड़ा के प्रेम दास जी आदि उपस्थित रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके कुंभ मेले पे डीएम साहब से विचार विमर्श भी किया, आप उनके साथ रहे, क्या कुछ रहा आज? देखिए, ऐसा है, अनादि काल से हमारी एक परंपरा है कि हरिद्वार कुंभ से पहले हमारे वैष्णवों की वृंदावन में बैठक होती है, जिसको हम एक कुंभ का ही नाम देते हैं। संतों का जहाँ समूह है वही कुंभ है। तो हमारे समस्त वैष्णव संप्रदाय के साधु महंतान एवं सन्यासी अखाड़ों के श्री महंतान सभी यहां पर आकर एक महीना तक प्रवास करते हैं और जमुना महारानी की आराधना करते हैं और यहां विचार विमर्श करने के पश्चात हरिद्वार का कुंभ होता है। इसी श्रृंखला में काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी, क्योंकि वृंदावन में अभी कोई भी कार्य आरंभ नहीं हुआ, तो प्रशासन सोया हुआ था। तो हमारे संतों की 15 तारीख की जो मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो गई है, परंतु अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के महंत राजेंद्र जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के महंत किशनदास नगरिया जी महाराज और निर्माणी अखाड़ा के महंत धर्मदास जी महाराज एवं राष्ट्रीय महासचिव महंत गौरी शंकर दास जी महाराज सभी ने डीएम साहब के पास जाकर ज्ञापन दिया है और सारी मूलभूत सेवाओं के लिए उनको बताया गया है कि कुंभ किस प्रकार से लगता है, बैठक किस प्रकार से लगती है और बैठक में क्या क्या ये सेवाएं होती हैं। वही सेवाओं के प्रकल्प को लेकर जब ज्ञापन दिया गया तो वहां से आश्वासन के तौर पर बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिली है और उन्होंने माना भी है कि जो भी संतों का कार्य होगा उसको सुलभता के साथ में पूर्ण कराया जाएगा और ये हमारे ब्रजवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारा सौभाग्य है कि हम और आप उस बैठक में, उस छोटे कुंभ में हम और आप सब सम्मिलित होंगे। हमारे लिए तो वो कुंभ है जहां संत होते हैं, ये बैठक नाम दे दिया, बाकी तो ये कुंभ है, वृंदावन कुंभ और कुंभ ही होगा, हमें विश्वास है और उसको ही मान्यता दी जाएगी और हम सब इसके मुखदर्शी भी बनेंगे और माँ जमुना महारानी में स्नान करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। खत्म हुआ तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, क्या क्या चाहते हैं? वृंदावन का जो मेला है वह परंपरागत जैसा पहले था वैसा अब भी होगा। कल हमारी जिलाधिकारी महोदय से, हमारे सभी जितने भी पशु संत हम लोग गए थे वृंदावन से, उनका कहना यह है कि कुंभ के नाम की जो चर्चा चल रही है वो हमारे उनके अधिकार के बस में नहीं है, ये तो शासन के स्तर की बात है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव जब आ जाएगा तो इसके विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी यह बैठक वृंदावन की, क्योंकि इनकी परंपरा है वैष्णव संप्रदाय की कि हरिद्वार कुंभ मेले से पहले एक इनकी बैठक होती है और उस बैठक में तमाम संत महात्मा आते हैं जो एक महीना यहाँ निवास करते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था
सुनिश्चित हो और सुविधाएं सुनिश्चित हो, संतों की संख्या बढ़ जाए तो उसके जो उनके प्लाट करते हैं जो जमीनें और बढ़ाई जाएं और जो मूलभूत सुविधाएं उनमें बढ़ोतरी की जाए। यही बात जिलाधिकारी से हमने कही थी और जिलाधिकारी ने हमारी बात को माना भी है कि सुविधा हम बिल्कुल देंगे और जितनी परंपराएं हैं उस परंपरा के अनुसार हम लोग पालन करेंगे, परंपरा से हट के कोई काम नहीं करेंगे।